आईसी ऑफिशियल, माय नेम इज खुशाली कच्ची। अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो को। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम लोग चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को खाली एक प्लानर दिखा देने चाहती हूँ। और सबसे पहली चीज़ कि ये चैप्टर में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं, तो आप लोगों को पूरा एक रोड मैप मिल जाए पहले से ही। तो सबसे पहले चैप्टर 2 का नाम है, दैट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि इकोनॉमिक्स में काफ़ी चीज़ों का मतलब अलग होता है। ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ में ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि हम हर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता नहीं है, तो वो लोग बोल देते हैं फ्लो में, पर एक्चुअली में इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से काफ़ी चीज़ों का जो मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। और जैसे ही हम लोग लेक्चर्स करते जाएंगे वैसे आपको ज़्यादा पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम प्राइस और वैल्यू देखने वाले हैं कि प्राइस का मतलब क्या है, वैल्यू मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में गुड्स और सर्विसेज और टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली में ये चैप्टर में ऐसा है कि टीचर्स भी काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ले, मतलब सारे क्वेश्चंस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज तो एक बार अगर उतर गया उतर ही जाने वाला है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपका उतर जाएगा मेरे साथ, बट स्टिल कि ये जो है ये कॉन्सेप्ट एक बार उतर गया तो आप कोई भी पेपर में, कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको रख दे आपके सामने, आप आराम से लिख पाओगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हम गुड्स और सर्विसेज करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 3 में वेल्थ और वेलफेयर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, वेल्थ और वेलफेयर का। ठीक है, वेलफेयर जो है बेसिकली उसके कितने टाइप्स है, बाद में वेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारा चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मैं आप लोगों को पहले से बता दूँ, ये 10th में आप लोगों ने किया है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगी वापस से। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, पर हम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपरली करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर जो रहने वाला है, मतलब ये चैप्टर में हम लोग टोटल कितने लेक्चर्स करने वाले हैं, 5। तो 5th लेक्चर है वो है ट्रेड साइकिल पे बेस्ड, कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं ट्रेड साइकिल में और कितने फेजेस है ट्रेड साइकिल में। इतनी चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 5 में कंप्लीट करने वाले हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, UKIC ऑनलाइन पे आप लोगों को अगर ये कोर्स जो है, ये नोट्स जो है आपको वहाँ पे आपको अवेलेबल रहने वाली है। ठीक है, तो UKIC ऑनलाइन पे आपको जाना है और ये वाली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए उतना ज़्यादा बिल पे मत लेना। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली बैच में आपको खाली एनरोल करना है, फ्री। ठीक है, एनरोल करना है, वहाँ पे आपको नोट्स यहाँ से मिल जाएगी सारी की सारी। और यहाँ पे हम लोग हमारा ये जो प्लानर वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग 1st लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो बच्चे, यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते, ये सच है? जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।